तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रेन में, निकल चुके हैं औरंगाबाद से पुणे के लिए। आप लोगों ने कल वाला मेरा शॉर्ट वीडियो देखा ही होगा। औरंगाबाद में अचानक ही माहौल ख़राब होने की वजह से हम इमरजेंसी में निकलना पड़ा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेन मिल गई, उसमें जनरल टिकट भी मिल गई, तो इसी में हम जा रहे हैं। इंशाल्लाह कल सुबह पहुँचेंगे पुणे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों को फिर से एक बार खुशामदीद कहता हूँ मेरे चैनल मोहम्मद रईस खान पर। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं महाराष्ट्र के शहर पुणे में। कल रात में हमारी ट्रेन थी औरंगाबाद से 8:30 बजे कुछ, लेकिन 9 बजे निकली और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं। तो हम पहुँच चुके हैं पुणे। तो इंशाल्लाह दोस्तों यहाँ पर हम आपको बारगाहों की ज़ियारत करवाएंगे। सबसे पहले तो हम इसी बारगाह की ज़ियारत कराएंगे। स्टेशन पर ही एक बारगाह मौजूद है, तो हम इसी बारगाह की ज़ियारत आप लोगों को करवाएंगे। तो यहीं से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर शहर के तमाम बारगाहों पर भी हाज़िरी देंगे, आपको ज़ियारत करवाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ देर पहले हम रेलवे स्टेशन पर एक बारगाह की ज़ियारत कर ली है। उस बारगाह को लेकर मेरे चैनल पर अभी तक 20 बारगाहों की ज़ियारत मुकम्मल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर एक और बारगाह की आप लोगों को ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ। चलिए ज़ियारत करते हैं। कभी तो मेरा सलाम होगा, दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप और मैंने जिस बारगाह की ज़ियारत की है, उस बारगाह को लेकर अभी तक मेरे चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह 21 बारगाहों की ज़ियारत मुकम्मल हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए एक और बारगाह की ज़ियारत करते हैं। अभी तक कितने हो गए थे? अल्हम्दुलिल्लाह 21 बारगाह मुकम्मल हुए थे, और इस बारगाह को लेकर 22 बारगाहें मुकम्मल होने वाली हैं। चलिए ज़ियारत करते हैं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पुणे में नमाज़ जुमा अदा करने के लिए एक मस्जिद में आए। मस्जिद में भी एक अल्लाह के वली की बारगाह नज़र आ गई। तो चलिए ज़ियारत करते हैं। देखिए हज़रत शेख मदार शाह क़ादरी पूनवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों इस बारगाह से लेकर अभी तक मेरे चैनल पर 22 बारगाहों की ज़ियारत मुकम्मल हो चुकी है। तो चलिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे नमाज जुमा के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारी नमाज जुमा अदा हो चुकी है। देखते हैं आज का इफ्तार हमारा कहां पर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पुणे में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 बारगाहों की ज़ियारत भी मुकम्मल हो चुकी है, और आपको कराएंगे फिर से और बारगाहों की ज़ियारत। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और देखते हैं आज हमारी कितनी बारगाहों की ज़ियारत होती है। कुछ हुआ है ना कोई आशिक से काम होगा, खिलाफे माशूक कुछ हुआ है ना। तो दोस्तों अभी आपने जिस बारगाह की ज़ियारत की है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हज़रत है हज़रत बाबा जान रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है ये।
अल्हम्दुलिल्लाह इस बारगाह को लेकर हमारे चैनल पर अभी तक 22 बारगाहों की ज़ियारत मुकम्मल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बने रहिएगा और भी बारगाहों की ज़ियारत करते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अभी तक मेरे चैनल पर 19 बारगाहों की ज़ियारत मुकम्मल हो चुकी थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह 5 बारगाहों की ज़ियारत भी मुकम्मल हो चुकी है। तो कुल मिला के मेरे चैनल पर 19 और 5 24 बारगाहों की ज़ियारत मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह फिर कल हम इसी तरह बारगाहों की ज़ियारत करेंगे। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके रखिएगा क्योंकि आगे और भी बारगाहों की ज़ियारत होने वाली है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे कल अगले व्लॉग में। आज का हमारा व्लॉग हमेशा की तरह चाय पर इख्तिताम करते हैं। तो चलिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।